फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। हेलो, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में, विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अपने डेली 9:15 बजे आपकी इंपॉर्टेंट क्लास होती है, जिसके अंदर अपन कवर करते हैं कई सारे महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके वोकैबुलरी के होते हैं वैसे, और आपको एज इट इज वोकैबुलरी ये वाली जो है आपको आपके आने वाले एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि आपको काफी मदद मिलेगी। तो हमेशा की तरह यही करने वाले हैं। देखते हैं सबसे पहले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए, 10 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और सिंपल ट्रिक के साथ उनको याद करेंगे ताकि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वोकैबुलरी के साथ। आज का जो अपना फर्स्ट वर्ड है वो देखते हैं, वो क्या है? एक्रीशन। एक्रीशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है एक साथ वृद्धि करना, ग्रोथ और इंक्रीज बाय द ग्रेजुअल एक्युमुलेशन ऑफ एडिशनल लेयर्स और मैटर। तो अगर किसी भी चीज को आप ग्रेजुअली इकट्ठा कर रहे हो तो उसको अपन एक्रीशन कहते हैं। इस वर्ड को अपन पहले भी कवर अप कर चुके हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड है एक्रीशन, और सिनोनिम की बात करें तो यहां पर असेंबलेज अच्छा वर्ड है, बाकी सब आसान है। ठीक, देखिए, वेल्थ इंक्रीज करने के लिए एक्रीशन करना पड़ता है। तो वेल्थ इंक्रीज करने के लिए क्या होता है? एक्रीशन करना पड़ता है। तो इंक्रीज को अपन क्या कर सकते हैं? एक्रीशन से कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। अगर किसी को वेल्थ इंक्रीज करनी है तो उसको ग्रेजुअली क्या करना पड़ेगा? अक्यूमुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। वेल्थ मैनेजमेंट जिसको अपन कहते हैं, तो वेल्थ इंक्रीज करने के लिए एक्रीशन करना पड़ता है। तो इंक्रीज को एक्रीशन से कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है, कि वेल्थ इंक्रीज करने के लिए एक्रीशन। एक्रीशन का मतलब हुआ इकट्ठा करना। विकास कुमार की एक ट्रिक है, मेरे फ्रेंड का एग्रेशन एक्रीशन हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। एग्रेशन को भी एक्रीशन से कोरिलेट करके आप आसानी से याद कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, काफी सिंपल वर्ड था। और साथ में दोस्तों शेयर कर दो यार अपने दोस्तों के अंदर, अपने ग्रुप के अंदर, और जो भी आपके फ्रेंड है जो पढ़ाई कर रहे हैं उन सबको शेयर कर दो, ताकि सभी बच्चे अटेंड कर सके क्लास को, ठीक है। चलिए अगला है आपका टॉक्सिन। टॉक्सिन एक नाउन है जिसका मतलब होता है खतरे की घंटी, ठीक है, अलार्म बेल और सिग्नल। तो यहां पे सिनोनिम सिंपल है। और ट्रिक देखिए, टॉक्सिक साइन से टॉक्सिन के बारे में बताते हैं। तो बिल्कुल सही बात है ना, आपको मालूम है ना ये जो साइन होता है टॉक्सिक का, कि ये जो बॉटल है इसके अंदर जहर है, टॉक्सिक है ये बहुत। तो टॉक्सिक साइन जो है वो टॉक्सिन के बारे में बताती है, यानी कि खतरे की घंटी के बारे में बताती है कि इससे हमें खतरा बहुत है। तो टॉक्सिक को आप टॉक्सिन से कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। टॉक्सिक का मतलब हुआ, टॉक्सिन का मतलब क्या हुआ? खतरे की घंटी, समझ रहे हो। तो टॉक्सिक को टॉक्सिन से कोरिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और डेंजरस बेल भी कह सकते हैं, मोहन चौधरी ने बताया है, बिल्कुल ठीक है। सिंपल से वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी याद करने में, इसको भविष्य में आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगला है आपका ओमिनियसली, एडवर्ब है जिसका मतलब क्या होता है? जब कोई अमंगल कार्य होता है उसको अपन कहते हैं, है ना, और अमंगल कार्य। और यहां पे तनुजा ने भी एक ट्रिक दी है, यहां पे पापा को देखते ही टॉक्सिन हो जाते हैं, खतरे की घंटी हो जाती है, ओके, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, है ना। ओमिनियसली का मतलब खतरे की घंटी, खतरे की घंटी नहीं बोलेंगे इसको, अपन बोलेंगे कोई भी काम जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा है फ्यूचर के अंदर उसको अपन कह सकते हैं। वेलफुल अच्छा है यहाँ पे, मेनेसिंग अच्छा वर्ड है, इनऑस्पिशियस अच्छा वर्ड है, ये तीनों वर्ड पेपर में कई बार आते हैं। अब ट्रिक देखिए, ओम साइन ओमिनस चीजों से बचने के लिए लगाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ना कि किसी भी घर के बाहर या बहुत जगह पे ओम का जो साइन है वो बना होता है, तो वो किस लिए बनाया हुआ होता है? ओमिनस चीजों से बचने के लिए बनाया होता है, कि कोई अमंगल कार्य ना हो जाए। तो आप ओम का जो अपना ये साइन है इसको अपन ओमिनस से कोरिलेट करके हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ओम साइन ओमिनस चीजों से बचाने के लिए बनाते हैं, तो ओम को ओमिनस से कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट आपका विन हैंड्स डाउन, इडियम है जिसका मतलब क्या होता है? आसानी से जीतना, टू विन समथिंग इजिली और डिसिसिवली। अगर कोई आसानी से जीत रहा है, ठीक है, तो उसको अपन विन हैंड्स डाउन कहते हैं। प्रिवेल यहां पे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, एनिहिलेट आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है, प्रोनाउंस आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है। तो ये आपके सिनोनिम हो गए। ठीक, देखिए, ये कल की विन हैंड्स डाउन नहीं थी। आपको मालूम है कल इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और काफी बढ़िया मैच हुआ था। तो ये जो कल की विन है ना,
ये विन हैंग्स डाउन नहीं थी, यानी कि आसान नहीं थी, ये इतनी आसान जो है वो नहीं थी। ठीक है, तो विन को आप विन हैंग्स डाउन से कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये कल की विन विन हैंड्स डाउन नहीं थी। तो विन हैंड्स डाउन का मतलब होता है जो आसानी से जीता जाता है मैच, उसको अपन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अपना नेक्स्ट वर्ड है बैसिन। बैसिन एक नाउन है जिसका मतलब होता है गढ़, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही मजबूत होता है, जिसको गिराना आसान नहीं होता है, उसको अपन बैसिन कहते हैं। रैम्पार्ट, सिटाडेल अच्छा वर्ड है, बुलवार्क अच्छा वर्ड है यहां पे। ठीक, देखिए बेस्ट है ये बैसिन। ये कौन सा है? जयपुर का है, आमेर किला है ये जयपुर का। तो ये जो क्या है, ये बेस्ट है बैसिन, यानी कि जो किला है ये काफी बेस्ट है अपने आप के अंदर, और इसको गिराना जो है वो बहुत मुश्किल हुआ करता था किसी टाइम के ऊपर। तो बेस्ट को आप क्या कर सकते हो, बैसिन से भी कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हो, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सीजीएल क्रैक करना विन हैंड्स डाउन नहीं है, तनुजा ने कहा है, और बिल्कुल ठीक है। काफी बच्चों के यहाँ पे हैप्पी बर्थडे टू यू सर। हाँ, मेरा तो बर्थडे है नहीं यार, राजीव शर्मा मेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं। चलो ठीक है, जब भी आएगा उसके लिए मैं कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चले। नेक्स्ट वर्ड सिंपल है, तो बैसिन का मतलब सिटाडेल। अगला है कोलेंस। कोलेंस जो अपन पहले भी इसको कई बार कवर कर चुके हैं, और कल के द हिंदू के अंदर भी आया था। ये वर्ब है जिसका मतलब होता है संगठित होना, कम टूगेदर टू फॉर्म वन मास और होल। जब एक साथ कोई काम करता है मिलके, तो अपन उसको कोलेंस कहते हैं। अमल कमेट अच्छा वर्ड है, बाकी सब आसान है। ट्रिक देखिए, कोल स्कैम में सब कोलेंस हो गए, तो कोल स्कैम हुआ उसमें सब क्या हो गए, कोलेंस हो गए, यानी कि सब क्या हो गए, सबने मिलकर इसको किया। कोल स्कैम में सब कोलेंस हो गए, यानी कि एकजुट हो गए। ठीक है, कोई भी करप्शन केस आता है तो एकजुट तो होना पड़ता है ना करप्ट वालों को, तो कोल स्कैम को कोलेंस से कोरिलेट करके हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि कोल स्कैम में सब क्या हो गए, कोलेंस हो गए। तो कोल स्कैम को कोलेंस से कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका ए शॉर्ट इन द आर्म। ए शॉर्ट इन द आर्म क्या एक इडियम है, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, प्रेरित करना, एन एनकरेजिंग स्टिमुलस। तो अगर आप किसी को प्रेरित कर रहे हो तो उसको अपन इडियम कहते हैं, और ठीक है, और इसका मतलब क्या है, किसी को एनकरेज करना। फिलिप अच्छा वर्ड है, पहले भी कई बार कवर कर चुके हैं, आपको मालूम है मैंने बताया था माइकल फेल्प्स जो है वो सबको फिलिप करते हैं, यानी कि एनकरेज करते हैं, ऐसे अपन ने याद किया था। इम्पिटस अच्छा वर्ड है। ट्रिक देखिए, अच्छा शॉट मारने के लिए ये एक शॉट इन द आर्म करते हैं, यानी कि अच्छा शॉट मारने के लिए ये शॉट इन द आर्म करते हैं। कौन? महेंद्र सिंह धोनी, आपको मालूम है, मतलब इनके सिक्सेस है वो सबको मोटिवेट करते हैं अच्छा खेलने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए। तो इनका शॉट मारने के लिए शॉट इन द आर्म करते हैं, यानी कि एनकरेज करते हैं। तो शॉट को आप शॉट इन द आर्म से कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट है कोहरेंट। एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सुसंगत, ठीक है, ऑफ एन आर्ग्यूमेंट थ्योरी और पॉलिसी, लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट। तो कोई भी ऐसी पॉलिसी हो, बहुत ही लॉजिकल हो, कंसिस्टेंट हो, उसको अपन कोहरेंट भी कहते हैं। सिनोनिम एंटोनिम आसान है। ट्रिक देखिए इसकी, रेंट नहीं देने का कोहरेंट किसी के पास नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि किसी के पास में लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती रेंट नहीं देने का। अगर आपने कोई चीज रेंट के ऊपर ली है तो आप उसको रेंट आपको पे करना पड़ेगा। रेंट नहीं देने का जो है ना रीजन कोहरेंट, वो किसी के पास में नहीं होता है। ओके, कौन सा रीजन को अपन को कहते हैं कोहरेंट, जो कि बहुत ही लॉजिकल हो, कंसिस्टेंट हो, ठीक है, थोड़ा सही हो। तो रेंट को हम कोहरेंट से कोरिलेट करके हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और अपूर्व बोल रहे हैं कि 6 मिलियन होने वाले हैं सर, ठीक है, शादी कर लो अब। ओके, बिल्कुल, और काफी बच्चों के यहाँ पे और भी ट्रिक आ रही है। कोरेंट में कभी भी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल। और चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कोरेंट का मतलब क्या हुआ, जो एक लॉजिकल रीजनिंग होती है उसको अपन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डिनोमेंट। डिनोमेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है समाप्ति, द फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का जो फाइनल पार्ट होता है उसको अपन डिनोमेंट कहते हैं। इपिलॉग अच्छा वर्ड है यहाँ पे, बाकी सब आसान है। ट्रिक देखिए इसकी, अनाउंस करके डिनोमेंट कर दिया असेंबली को। तो भाई पहले तो लोगों ने क्या किया, अनाउंस किया कि क्या होगा, कल से असेंबली नहीं होगी, और क्या कर दिया, डिनाउंस कर दिया, डिनाउमेंट यानी कि उसको समाप्त कर दिया।
ठीक है, तो अनाउंस को अपन डिनाउमेंट से भी कोरिलेट करके आसानी से आप कर सकते हैं कि अनाउंस करके डिनाउमेंट कर दिया असेंबली को, डिनाउमेंट यानी कि उसको टोटली एंड कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, एक बच्चा कैट की कोचिंग के बारे में बोल रहा है, गौरव कुमार। तो गौरव, अगर आप कैट के लिए वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये क्लास आप अटेंड करिए, इससे आपको कैट के अंदर बहुत फायदा मिलेगा। ओके, और इसके अलावा बाकी जो कैट के सब्जेक्ट है वो अपन कवर नहीं कर रहे हैं। आने वाले कुछ टाइम के अंदर कैट के लिए भी एक नया चैनल बनाएंगे, फिर वहां पे आपके लिए कैट मैट जीआरई उसके लिए फिर अपन अलग से करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, लास्ट वर्ड आज का जो कि है कंटेंशियस। कंटेंशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विवादास्पद। अगर किसी भी चीज के ऊपर विवाद होता है तो उसको अपन कंटेंशियस कहते हैं, और कॉन्ट्रोवर्शियल भी कह सकते हैं, सिंपल सा वर्ड है। ट्रिक देखिए, क्यों मूवी के कंटेंट को लेकर कंटेंशियस हो जाते हैं? तो आपको मालूम है ना कि कई सारे लोग हैं जो कि मूवी के कंटेंट को लेकर कंटेंशियस हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा विवाद है जो कि खड़ा हो जाता है, चाहे वो जोधा अकबर हो, पद्मावत हो, कोई सी भी मूवी हो। तो कंटेंट को अपन कंटेंशियस से कोरिलेट करके आसानी से आप कर सकते हैं कि क्यों मूवी के कंटेंट को लेकर कंटेंशियस हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा विवाद हो जाता है। हाँ, सीडीएस के लिए भी है शिल्पी मौर्य, सीडीएस में भी बहुत सारे वोकैब आपको देखने को मिले, है ना? बिल्कुल ठीक है, और काफी बच्चों के यहाँ पे अपने ट्रिक आ रही है। चलिए दोस्तों, तो इस तरीके से आप ये कंटेंट को कंटेंशियस से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। अब देखते हैं आज का अपना पहला वर्ड अपन ने कैसे याद किया था, एक्रीशन। तो वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए एक्रीशन करते हैं, यानी कि इकट्ठा करना, इंक्रीज को अपन एक्रीशन से कोरिलेट किया था। टॉक्सिक चीजों के बारे में टॉक्सिन बताते हैं, टॉक्सिन के बारे में, यानी कि एक कोई डेंजर साइन जो है उसको अपन कहते हैं। ओम साइन से ओमिनस चीजों को दूर करते हैं, यानी कि कोई चीज जो कि बैड जो होने वाला है उसको अपन। कल की विन, विन हैंड्स डाउन नहीं थी, यानी कि विन हैंड डाउन का मतलब आसानी से जीती जाने वाली जीत। बेसिन, बेस्ट है ये बेसिन, यानी कि किले को कहते हैं अपन बेसिन। कोल स्कैम में सब कोलेंस हो गए, यानी कि इकट्ठा हो गए। अच्छा शॉट मारने के लिए शॉट इन द आर्म करते हैं, यानी कि मोटिवेट करते हैं। और रेंट नहीं देने का कोई कॉम्प्लेंट नहीं है, यानी कि लॉजिकल रीजन नहीं है। और अनाउंस करके असेंबली को डिनोमिन किया, यानी कि उसको समाप्त किया। और कंटेंट को लेकर कंटेंशियस हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा विवाद है जो कि हो जाता है। तो इस तरीके से ये 10 वोकैबुलरी जो है आप कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। उसका मतलब होता है अनरूली। और आज का जो आपका वर्ड है वो भी हम देख लेते हैं, फ्लैम्बोयंट। फ्लैम्बोयंट का आपको अल्टरनेटिव वर्ड है जो कि बताना है। ट्रिक के अंदर यहाँ पे बी टोकन वर्ड दिया था जिसका मतलब होता है सहारा लेना, किसी की मदद लेना। तो अंजलि और सचिन ने दो अच्छे ट्रिक बनाए। अरे वाह, सचिन और अंजलि, क्या बात है। ठीक है, तो सचिन जो है उनकी ट्रिक है, मेट्रो स्टेशन पर लोग टोकन के लिए दूसरों को बी टोकन लेते हैं, यानी कि दूसरों का सहारा लेते हैं। हर बेटों का बीटोकन उनके पेरेंट्स होते हैं, सही बात है, बेटों का पेरेंट्स, ठीक है, उनके बीटोकन उनके पेरेंट्स होते हैं। तो बेटे को भी बीटोकन से आप कोरिलेट करके इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और अपना नेक्स्ट वर्ड जो है एड्रॉइड, आज का जो आपका नेक्स्ट वर्ड है वो है एड्रॉइड, जिसका आपको ट्रिक बना के कमेंट करना है। काफी अच्छा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट में आ चुका है। एड्रॉइड का मीनिंग आपको बताना है। साथ में अगर अपन देखें सेंटेंस फ्रेमिंग में, तो मुना ने और हैरी ने दो अच्छे पैराग्राफ का फॉर्मेशन किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारे के सारे वोकैबुलरी इन्होंने कोऑर्डिनेट करे हैं। ओके, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप भी ऐसे पैराग्राफ का फॉर्मेशन करेंगे ताकि राइटिंग स्किल्स जो है आपकी अच्छी हो सके। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे देख सकें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।